स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे द लॉजिक ऑफ इंट्रोडक्शन के ऊपर इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपका फर्स्ट सेक्शन या चैप्टर होता है रिसर्च रिपोर्ट का एंड इंट्रोडक्शन अलाउज यू टू फेमिलराइज द रीडर टू योर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ योर थीसिस और रिपोर्ट और पेपर हम जब रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के जो पहला मकसद ये है कि वो आपको का जो इंट्रोडक्शन है वो रीडर को फेमेलराइज करेगा आपके रिसर्च uh, प्रॉब्लम के साथ या आपके टॉपिक ऑफ़ रिसर्च के साथ कि ये रिसर्च आपने जो कंडक्ट किया है ये क्यों ज़रूरी है इंट्रोडक्शन uh, लिखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स uh, हैं जो वो फॉलो करने पड़ते हैं तो उसमें पहली चीज़ जो है आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है इंट्रोडक्शन लिखते हुए कि व्हाट इज़ योर टॉपिक एंड वट आर द की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर टॉपिक जैसे अगर वायलेंस पे आप काम कर रहे हैं तो आप बताएँगे uh, जो है अकॉर्डिंग टू यू इन दिस रिसर्च वट इज़ अ वायलेंस आप उसको डिफ़ाइन करेंगे अगर आप काम कर रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर या एंग्जाइटी के ऊपर तो आप उनको टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे आफ्टर दिस यू गिव बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्सट फॉर द टॉपिक दिस में इंक्लूड अ ब्रीफ़ ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर है तो इंट्रोडक्शन में हम जो है जो काम करने जा रहे हैं हम हिस्टोरिकली उसको रिलेट करते हैं अपने काम के साथ और इसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं जिससे जो रीडर है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि पहले इस डोमेन में क्या काम हो चुका हुआ है और ये जो रिसर्च है इसमें क्या करने जा रहा है After this you review and evaluate the current state of knowledge in the topic. This may uh, include a brief literature of review as well. आप evaluate करते हैं जो recent studies हैं वो कितनी significant हैं इस topic से related और आपका जो research topic है या आपकी जो research study है वो किस gap को fulfill कर रही है और इसके लिए फिर आपको गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और रीसेंट रिसर्च जो है उसकी शॉर्टकमिंग्स को देखना पड़ता है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना पड़ता है इंट्रोडक्शन में हम अपने जो है एक सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द स्टडी और फिर उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन ऑफ़ द स्टडी या हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी लिखते हैं और इंट्रोडक्शन में इसके बाद हम एक सेक्शन बनाते हैं अगर आप थीसिस के लिए इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट में आप सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी भी उसमें लिखते हैं इंट्रोडक्शन uh, में आप ब्रीफली uh, बता सकते हैं आपकी मेथडोलोजी और थेरेटिकल अप्रोच के बारे में भी और आप बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी रिसर्च क्या कंट्रीब्यूट करेगी इसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी भी कहते हैं और एट द एंड इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं एक आउटलाइन जो है वो दे देते हैं ऑफ़ द थीसिस के ये जो इंट्रोडक्शन है आ, उसके एंड पे आती है और वो बता रहा होता है कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ जो है रिसर्चर ने डिस्कस की हुई है